हेलो एवरीबडी आई एम मेकिंग दिस आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर चैप्टर थ्री हाउ मच कैन यू कैरी लेसन थ्री इन मैथ्स नाओ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डॉन्की एंड द डोंकी इज फॉर संदेश संदेश हैज दिस डोंकी ये संदेश का डोंकी है संदेश डोंकीस क्या लेके जाते हैं अपनी बॉडी पे क्या ले जाते हैं देखिए बड़े बड़े बोरे ठीक है तो इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट इन इट्स बैक इनके बॉडी बॉडी पे पीठ पे क्या लाद रखा था संदेश ने नमक के बोरे नमक आपके घरों में होता है ना नमक को पानी में डालो तो क्या हो जाता है वो घुल जाता है तो नमक के बोरे ले जाते थे फिर क्या हुआ रास्ते में एक दिन On the way to the market, they have to cross a river. रास्ते में मार्केट जाते समय उनको एक रिवर क्रॉस करनी होती थी, right? फिर क्या हुआ था? जब रिवर क्रॉस करने के उसे तो डॉकी स्लेब्ड एंड फेल इनटू द रिवर जो डोंकी है वो स्लिप कर गया और पानी में गिर गया पानी में गिर गया अब आप सोचो अगर वो पानी में गिर जाएगा तो क्या होगा उसके जो बोरों का नमक है वो घुल जाएगा पानी में और अगर पानी में जो घुल जाएगा तो फिर क्या होगा वैन इट गॉट अप द सेक्स फेल्ट वेरी लाइट क्या हो जाएगा जो भार था उसका वो हल्का हो गया फेल्ट वेरी लाइट अब गधे को डोंकी को जब लगा कि अरे वाह, पानी में गिरने के बाद तो मुझे हल्का हल्का लग रहा है तो क्या किया उन्होंने नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट टाइम से उन्होंने अपने आप ही पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी decided to take a dip पानी में डुबकी लगाने का कि पानी में डुबकी लगाएंगे और हमारे बोरों का जो नमक है वो घुल जाएगा और हमें मज़े से हल्के हल्के होके आगे चले जाएंगे पीठ पे बाहर डाल के कौन चलना पसंद करता है कोई नहीं चलना पसंद करता और डोंकीज भी बहुत होशियार हो गए थे दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक फिर संदेश को लगा कि ये क्या चक्कर है भाई जब मार्केट पहुंचते हैं तो उनके पास बोरों में नमक कम कैसे हो जाता है तो उसे समझ में आ गया कि कुछ ये गड़बड़ रास्ते में डोंकिस कर रहे हैं तो उसने क्या किया उसने भी अपनी होशियारी दिखाई और उसने क्या किया इस बार उसने विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सी सो ओके फर्स्ट सी उसने एक ट्रिक इस्तेमाल की उसने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम उसके बोरों में उसने रुई भर दी पहले भरा था नमक अब भर दी रुई रुई भर के भेज दिया जी जाओ मार्केट जाओ अब क्योंकि गधे थे दिमाग से तो गधे क्या किया कि उन्होंने फिर क्या किया होगा फिर से नदी में डिप लगाई होगी जब फिर से नदी में डिप लगाई तो क्या हुआ क्योंकि इस बार रुई थी रूई ने पानी सोख लिया और रुई और भारी हो गई अब तो गधों का जो वेट था वो बहुत बढ़ ज़्यादा बढ़ गया वो किसी तरह मार्केट पहुँचे और उन्होंने मन में सोचा कि आगे से हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो आपको स्टोरी पसंद आई अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस बताइए ये दो चीज़ें देख रहे हैं आप क्या है ये ये तरबूज और ये फुटबॉल सबने फुटबॉल खेली है फुटबॉल और तरबूज दोनों का शेप देखो सर्कल है और ऑलमोस्ट साइज सेम दिख रहा है बड़ा लेकिन इसमें कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी है बताओ ये है हमारा हैवी हैवी एच और ये हमारा क्या हो जाएगा लाइट ठीक है अब हम हाँ, नेक्स्ट देखते हैं अब ये सब चीज़ें देखो इसमें क्या है विच इज़ लाइट विच इज़ हैवी सी अब अगर हम इस पिक्चर को देखें ये वाली जो पिक्चर है इसमें एक एलिफेंट है और एक चीटी है तो कौन सा लाइट होगा चीटी होगी एल लाइट और एलिफेंट होगा एच हैवी एलिफेंट होगा हैवी इसी तरह ये होगा एच ये होगा एच हैवी और ये हो जाएगा लाइट ठीक है अब ये दोनों वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं तो आपने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के बारे में देखा है जब आता है सब्जी वाला तो कैसे वे करता है एक तरफ लेफ्ट में वेजिटेबल्स रखता है और राइट में बाट्स रखता है ठीक है so, सो अब आप ये बताइए ये दो पिक्चर्स देखी इसमें भी वही चीज़ है हु इज हैवी एंड हु इज लाइट this is heavy and this is light yani the small one next abhi ye dekhiye the thing it can carry the thing it can carry kaun kya kya cheeze le ja sakta hai like donkeys kya kya cheeze le jata hai see ये बोरियाँ ले जाएगा डिब्बे ले जा रहा है लोगों को बैठा के भी कई बार ले जाते हैं विद्या भी जाते हैं आप लोग तो देखते होंगे इसी तरह एलिफेंट भी कैरी करता है एलिफेंट क्या कैरी करता है देखो ये लोगों को कैरी करता है इस पर बैठे हुए ना ये घूमने जाते हो आप लोग भी पेरेंट्स के साथ मेले वेले में तो देखते हो तो एलिफेंट कैरी करता है अच्छा ये क्या है व्हाट इज़ दिस पहचानिए इसमें क्या क्या चोटी, 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 चोटी है छोटे 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 कीड़े हैं इंसेक्ट्स हैं आंट कैन कैरी अब चीटियाँ क्या क्या ले जाती हैं आपने देखा होगा घर में चीनी के टुकड़े गिरा दो वो ले आती है ये पत्ता ले आता है छोटा सा टुकड़ा ये इस तरह से चीटियों का चीटियाँ क्योंकि वो दी बहुत हल्की होती तो चोटी -चोटी है तो छोटी छोटी चीज़ें लेके जाती हैं इसके बाद आता है क्रो क्रो क्या क्या ले जाता है क्रो की कहानी पढ़िए ना पत्थर डाला उसने एक कौवा प्यासा था घड़े में पानी थोड़ा था एक एक करके कंकड़ डाला घड़े का पानी ऊपर आया तो कौवा क्या क्या ले जाता है क्रो आप कंकड़ ये बीच इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े तो मतलब ये बहुत छोटी चीज़ें ले जा सकते हैं क्योंकि अपने उन्हें बीक में उठाना होता है जो उनके वेट अपनी बॉडी से हल्की चीज़ें डॉग कैन कैरी डॉग क्या क्या ले जाता है ये देखिए ये डॉग बॉटल ले के जा रहा है ये देखिए न्यूज़पेपर ले जा रहा है ये बॉल्स ले जा रहा है तो डॉग ऐसी लाइट लाइट चीज़ें ले जाता है तो इससे आपने देखा कि हर एक की कैरिंग कैपेसिटी कैरी करना उठाना कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है अब आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और आप अपने घर में चीजें उठाने की कोशिश करेंगे आप खुद चेक करेंगे कि आपकी कैपेसिटी क्या है ओके कृष्णा देखना